हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने YSR रायतु भरोसा योजना को लॉन्च किया है? तो YSR रायतु भरोसा योजना को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो ये योजना है ये किसानों के लिए एक आर्थिक मदद योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 13,500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। इस 13,500 में से 7,500 आंध्र प्रदेश सरकार देगी और 6,000 रुपया केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देगी। तो आपको याद रखना है YSR रायतु भरोसा योजना जो कि किसानों के लिए एक आर्थिक मदद योजना है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के टैक्सी ड्राइवर और कैब ड्राइवर के लिए एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था YSR वाहन मित्र योजना। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। जो अमरावती शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको आंध्र प्रदेश का एक शहर याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट याद रखना है जिसका नाम है गुंटूर। गुंटूर को भारत का टबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो टबैको है तंबाकू है इसका उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना आंध्र प्रदेश से, जो रेलवे द्वारा इस साल रेलवे का 18वां और नया जोन बनाया गया जिसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका भी मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। आंध्र प्रदेश में ही भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में ही भारत की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश से आपको दो नेशनल पार्क याद रखना है, पहला है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017 और 18 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017 और 18 वर्ष के लिए दिया गया है प्रियदर्शन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो प्रियदर्शन है ये हिंदी और मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता हैं, इन्हीं को 2017 और 18 के लिए दिया गया है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। ये जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2018 और 19 के लिए किसे दिया गया, तो वर्ष 2018 और 19 के लिए राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार दिया गया है वाहिदार रहमान को। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अब हम कुछ पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे कि अभी अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया जाएगा रमेश पांडे को UNEP संस्था के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया देश में खेल जगत में सर्वोच्च दिया जाने वाला सम्मान जिसका नाम है द डॉन, ये दिया जाएगा टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी को, और एक फिल्म है केरल की जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म है जिसका नाम है स्प्रिट ऑफ केरल, इसने जीत लिया है पीपल चॉइस अवार्ड। तो ये हैं कुछ पुरस्कार जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में किस बैंक ने FD हेल्थ नामक एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? तो FD हेल्थ नामक जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है इसको लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और कुछ दिन पहले एक्सिस बैंक ने एक डिजिटल FD लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था एक्सप्रेस FD। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, FD हेल्थ जो है इसको लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा और एक्सप्रेस FD लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। ICICI बैंक का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में, और ICICI बैंक के वर्तमान में CEO हैं संदीप बख्शी। PNB बैंक के अभी अभी कुछ दिन पहले CEO और MD बनाए गए थे SS मल्लिकार्जुन राव। PNB बैंक का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है HDFC बैंक, जिसके फाउंडर और CEO हैं आदित्य पुरी, और HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार,
हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तीसरे संस्करण का आयोजन आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया था दूर संचार विभाग तथा भारतीय सेलुलर ऑपरेटर संघ के द्वारा। ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन है, ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मोबाइल सम्मेलन है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका इनोग्रेशन यानी कि उद्घाटन किया गया भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा, और इस सम्मेलन में 30 देशों से अधिक लोग उपस्थित थे। तो आपको याद रखना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जिसका उद्देश्य है कि भारत का जो दूरसंचार उद्योग है, स्टार्टअप हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं और डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना तथा एक दूसरे के विचार को एक दूसरे के साथ साझा करना। अब आपको इसका थीम भी याद रखना है। तो इस साल का जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस समिट था, इसका थीम था इमेजिन अ न्यू कनेक्टेड वर्ल्ड, इंटेलिजेंट, इमर्सिव एंड इन्वेंटिव। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अब आपको एक संस्था का नाम याद रखना है, इस संस्था का नाम है ट्राई। भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है, इसका नाम है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, और ट्राई के वर्तमान में हेड हैं राम सेवक शर्मा। ट्राई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जियो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी अभी कि ट्राई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है, तो उत्तर होगा जियो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो बहरीन इंटरनेशनल का जो बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है एक भारतीय खिलाड़ी ने, जिसका नाम है प्रियांशु राजावत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और यहां से दो नाम और आपको याद रखना है। जो मिक्स्ड खिताब था, इसमें से भी दो भारतीयों ने जीत लिया है, जूही देवनगन और वेंकट गौरव प्रसाद ने। जो बहरीन ओपन था, इसमें मिश्रित युगल को जीत लिया। तो तीन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। जो बहरीन देश है, ये गल्फ कंट्रीज है, इसकी राजधानी है मनामा और बहरीन की मुद्रा का नाम है दिनार। अब आपको कुछ बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक खिलाड़ी का नाम दिया होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर उस खिलाड़ी का से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये दिया हुआ खिलाड़ी किस राज्य से है। तो आपको याद रखना, ये हैं कुछ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी। पीवी सिंधु जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, सानिया नेहवाल जो कि हरियाणा से हैं, सौरभ वर्मा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, समीर वर्मा मध्य प्रदेश से हैं, लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं, बी साई प्रणीत ये तेलंगाना राज्य से हैं, श्रीकांत किदांबी हैदराबाद से। ये हैं कुछ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि इस समय चर्चा में हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2019 से दो लोगों को सम्मानित किया गया है, मार्गरेट एटवुड को और बर्नांडिस एवरिस्टो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आपको याद रखना है, बुकर पुरस्कार 2019 से दो लोगों को सम्मानित किया गया है, कौन कौन से हैं? मार्गरेट एटवुड को और बर्नांडिन एवरिस्टो को। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनके किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो मार्गरेट एटवुड को इनका एक उपन्यास आया था जिसका नाम था द हैंडमैंड टेल के लिए दिया गया है, और बर्नांडिन एवरिस्टो को दिया गया है गर्ल वुमेन एंड अदर, जो इनका उपन्यास आया था इसके लिए। तो इनके उपन्यास, इन दोनों नावल के नाम भी आपको याद रखना है। जो मार्गरेट एटवुड हैं, ये कनाडा देश की लेखिका हैं, और बर्नांडिन एवरिस्टो जो हैं, ये ब्रिटिश देश की लेखिका हैं। और यहाँ से आपको दो फैक्ट याद रखना है। जो बुकर प्राइज 2019 है, इसमें मार्गरेट वुड को जो दिया गया, ये अब तक की बुकर प्राइज के इतिहास में सबसे बूढ़ी लेखिका हैं। इनकी उम्र है 79 वर्ष, जो कि कनाडा की लेखिका हैं। और दूसरा क्वेश्चन, जो बर्नांडिन एवरिस्टो हैं, ये ब्रिटिश की एक लेखिका हैं, और ये बुकर प्राइज के इतिहास में अश्वेत महिला पाने वाली पहली लेखिका बन गई हैं। तो ये दो फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि बुकर प्राइज क्या है।
तो जो फिक्शन नावल होते हैं, फिक्शन नावल जो कि इंग्लिश में लिखे जाते हैं और यूके में पब्लिश होते हैं, उन नावल को दिया जाता है बुकर प्राइज़। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुकर प्राइज़ क्या है, तो फिक्शन में लिखे जाने वाले अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होने वाले जो उपन्यास होते हैं, उन उपन्यासों को दिया जाता है बुकर प्राइज़, जो कि इस साल दो लोगों को दिया गया है, मार्गरेट एटवुड को इनके उपन्यास द हैंडमैन टेल के लिए, दूसरी लेखिका हैं बर्नार्डिन एवरेस्टो, इनके उपन्यास गर्ल वुमेन और अदर के लिए। तो दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2019 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2019 मनाया गया 15 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसका उद्देश्य जो ग्रामीण महिलाएं तथा लड़कियां हैं उनके समग्र विकास के बारे में जागरूकता फैलाना। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब आपको यहाँ से इसका थीम भी याद रखना, इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जो डे था, इसका थीम था रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको दो दिवस और याद रखना जो कि इससे मिलते जुलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। तो ये तीन दिवस आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2019 कब मनाया गया है? तो विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये क्यों मनाया जाता है? तो जो 15 अक्टूबर है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस होता है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि APJ अब्दुल कलाम किस नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे, तो उत्तर होगा 11वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संगम यूथ फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो संगम यूथ फेस्टिवल का आयोजन अभी अभी किया गया है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के कैंपस में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जिसका उद्देश्य था राष्ट्र देश में एकता शांति और अखंडता का संदेश देना। इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में भारत से लगभग 1500 छात्र पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको याद रखना है संगम यूथ फेस्टिवल, जिसका आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना के प्रमुख हैं RK सिंह भदौरिया जो कि अभी नए नए बने हैं, नौसेना प्रमुख हैं यानी कि नेवी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय नौसेना है, नेवी है, इसके कितने कमांड हैं? तो इसके तीन कमांड हैं और इसके मुख्यालय का नाम पूछा जाता है। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और साउथर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है केरल के कोच्चि शहर में। तो ये तीन कमांड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी? तो टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी है भारत की एयर इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि टैक्सी बोट होता क्या है। तो टैक्सी बोट एक प्रकार का रोबोटिक ट्रैक्टर होगा जो कि जो प्लेन होता है इसको रनवे पार्किंग से लेके रनवे तक खींच कर ले जाएगा। तो ये ऐसा उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो आपको याद रखना है टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनी है एयर इंडिया, जो कि भारत की एक पब्लिक कैरियर है। एयर इंडिया के चेयरमैन और MD हैं अश्वनी लोहानी और एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता कौन हैं? तो इंस्टाग्राम जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पे फॉलो किए जाने वाले दुनिया के सबसे
नंबर वन नेता बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जो नरेंद्र मोदी हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पर लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलोअर हो चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको कुछ 3-4 सोशल साइट्स हैं उनके फाउंडर के नाम याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेजर। व्हाट्सएप के फाउंडर हैं जैन कुम एंड ब्रायन एक्टन। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग और टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल ड्रो। ये 4-5 नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ट्यूनीशिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। तो ट्यूनीशिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है इसके नए राष्ट्रपति बने हैं काइस सैयद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं काइस सैयद जी, यहीं ट्यूनीशिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ट्यूनीशिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है इसकी राजधानी है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया की मुद्रा का नाम है दिनार। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर प्रकाशित होने वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।